हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, मैंने इनवाइट तो कर दिया ना सभी को, या कुछ लोग रह गए अभी? ओके, चलो मैं एक बार फिर से इनवाइट कर दे रहा हूँ। चलिए बेटा, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे एनटीए का एक मॉक टेस्ट। ओके, तो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेटा एनटीए का मॉक टेस्ट। और कौन सा मॉक टेस्ट है तो बाद में आपको पता चलेगा, है ना। फिलहाल तो अभी ठीक दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलो, तो आठ बज के 6 मिनट हो रहा है बेटा, है ना। और हम लोग अब अपना एनटीए का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं, और कोशिश रहेगी कि 45 मिनट में आप इसको कंप्लीट करें आज, है ना। मतलब 8:50 पे आप कोशिश करिएगा कि इसको कंप्लीट कर लें। हाँ, आगे की प्लानिंग बेटा आज मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या प्लानिंग है? स्टार्ट करते हैं। टाइम चूंकि वैसे भी बहुत कम बचा हुआ है ना। 25 डेज का समय हमारे पास है, तो इस टाइम पीरियड में हमें क्या क्या चीजें करनी है आज मैं आपको बताऊंगा इस बारे में। थोड़ा सा वेट करना है अभी आपको, थोड़ा सा इंतजार करिए, आज मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा। चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है बेटा। थोड़ा सा और समझदारी अब आप दिखाएंगे अपनी पढ़ाई को लेके, है ना, क्योंकि अब हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। 13 सितंबर को हमारा एग्जाम है, और मैं इसीलिए हमेशा कह रहा था कि बेटा पढ़ाई करते रहो, जो भी होगा हम लोग देखेंगे उसको बाद में, है ना। बहुत लोगों ने मेरी बात मानी और बहुत लोगों ने गालियां मुझे दी, है ना। तो चलो ठीक है, विच सेल ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड इट्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रेस्पेक्टिवली। तो ब्लास्टोसिस्ट की जो सेल एम्ब्रियो को डेवलप करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनर सेल मास कहा जाता है। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट बनाता है। और इम्प्लांटेशन के दौरान भी ये ट्रोफोब्लास्ट एम्ब्रेडिंग करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ए क्यों कर रहे बेटा? एम्ब्रियो तो इनर सेल मास से ही डेवलप होता है ना, रेस्पेक्टिवली कहा गया। थोड़ा ध्यान दो इस बात पे। तो पहले आपको, हाँ, ज्यादातर बच्चे जो यहाँ पे इस सेशन में होंगे वो मेरी बात मानते होंगे कि मैं कह रहा था कि बेटा पढ़ते रहो। लेकिन कुछ बच्चे अब उसमें अलग अलग चीजें बोलते थे। बहुत सारे कमेंट तो मैं रिमूव कर देता हूँ, तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है ना, इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, वो यूट्यूब पे ही बोलते हैं? मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा, उस पर नहीं बोलते हैं वो लोग, है ना, क्योंकि जानते हैं कि व्हाट्सएप नंबर पे अपने नंबर से कांटेक्ट करेंगे तो FIR भी हो सकती है ना। तो व्हाट्सएप पे कोई नहीं करता मैसेज,
सब यहीं पे करते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि यहाँ पे सब फेक अकाउंट बने हुए हैं। और व्हाट्सएप पे करेंगे तो उनका नंबर भी आएगा, है ना। तो आगे 25 दिन की स्ट्रेटजी बेटा मैं आज बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि 400 से 600 नंबर एक दिन में कैसे आ जाएं, उस टाइप की नहीं, है ना। रियलिस्टिक होना चाहिए जो रियल में आप फॉलो भी कर पाए। बनाने के लिए तो बहुत सारी स्ट्रेटजी मार्केट में आ चुकी है ना, कि अगले 20 दिन में क्या करना है और अगले 2 घंटे में आप तैयारी कैसे करें, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज आ चुकी बेटा। लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा ताकि एक रियलिस्टिक स्ट्रेटजी हम डेवलप कर पाए। इनकरेक्ट आपसे पूछा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कवर्ड अराउंड 6% ऑफ अर्थलैंड सर्फेस, ठीक है। एनिमल विद माइग्रेटरी हैबिट आर बैडली अफेक्टेड बाई हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ये भी सही है। मैमल एंड बर्ड रिक्वायर स्मॉल टेरिटरीज, ये गलत है बेटा, इनको लार्ज टेरिटरी चाहिए, है ना, बड़ा इलाका चाहिए अपने रहने के लिए। ब्लू ग्रीन एल्गी आर एंड मेंबर ऑफ किंगडम, तो आप जानते हैं कि ये किंगडम मोनेरा के मेंबर है बेटा, प्रोटिस्टा के तो है नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो गए। अब ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोमर कंपोनेंट ऑफ द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपेड पोड का जो काइटिनस एक्सोस्केलेटन है बेटा, काइटिन, उसका मोनोमर क्या है। काइटिन एक पॉलीमर और पॉलीमर मोनोमर से बने होते हैं, और इसका मोनोमर क्या है, दैट इज द एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। अमृता मैम ने एक स्ट्रेटजी बनाई है बेटा, है ना, वो तो आपने देख ही ली होगी। तो अब वो डेली आपको मैराथन कराएंगे, और मेरा भी यही प्लान है कि डेली बेसिस पर, देखिए मान लीजिए कि अमृता मैम 200 क्वेश्चन करा देती है, और 200 क्वेश्चन डेली मैं आपको करा, 400 क्वेश्चन हो गए आपके बायो के। तो अगर 400 क्वेश्चन बायो के रोज आपको करा दिए जाते हैं, अमृता मैम मेनली फोकस करेंगी जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं फोकस करूंगा एनटीए पे और प्रीवियस ईयर पे। तो अगर 200 क्वेश्चन अमृता मैम करा देती हूँ, 200 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 400 क्वेश्चन हो गए, तो 25 दिन में 10,000 क्वेश्चन अभी भी आप कर सकते हो बेटा, है ना। बस आपको साथ में लगने की जरूरत है ना, थोड़ा टाइम आपको निकालना पड़ेगा। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबंडेंट फूड रिजर्व एंड लार्ज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट है। विच सेट ऑफ सेल ऑर्गेनेल आर कंसिडर्ड टू बी सेमी ऑटोनॉमस, ये एनसीईआरटी में नहीं है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, है ना, ये इंस्पेक्शन में बायोनीट में आपको दिया गया है। तो सेमी ऑटोनॉमस क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, इनके पास 70S राइबोसोम पाया जाता है, ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। विच ट्रीटमेंट और स्टेपिस्ट, और साथ ही साथ सर्कुलर डीएनए भी होता है, 70S राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए होता है, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस है। फॉर्म बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कौन सा प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा स्टेप हम फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज डन फॉर प्रोडक्ट, सही है। सुटेबल प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ये भी सही। फॉर्मुलेशन हैज टू बी अंडरगो क्लिनिकल ट्रायल, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबो, ये सही है बेटा। तो ये जो स्टेप आपको बताया गया है, इस स्टेप का नाम आपको बताना है यहाँ पर, है ना, 7th स्टेप का नाम आपको बताना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद में हमारे लंग्स में जो एयर होती है उस वॉल्यूम को क्या नाम दिया जाता है। बेटा देखिए सब क्वेश्चन 2-2 सेकंड के हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको अंदाजा हो जाएगा कि आंसर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मियोसाइट, मियोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 2n होता है बेटा, है ना। तो मेज में 20 क्रोमोसोम होते हैं, 2n, सही है। पाइजम में 14 होते हैं, तो ये n की वैल्यू है। ऑफियोब्लॉसम में 1260 होते हैं, तो n की वैल्यू है। पोटैटो में 48 होते हैं, तो ये n की वैल्यू दी गई है। तो मियोसाइट में मेज में 20 क्रोमोसोम हुए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग, चलिए कोयल की बात करें तो कोयल को किससे मैच करोगे, ब्रूड पैरासिटिज्म से। माइकोराइजा कौन बनाता है, ग्लोमस। बायोकंट्रोलेशन कौन है, ट्राइकोडर्मा। और बायोगैस, मिथेनोबैक्टीरियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1C, 2D, 3B एंड 4A, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गोल्डन राइस कितना कॉमन क्वेश्चन, लगभग हर साल नीट में पूछा जाता है, लगभग हर साल आता है।
A transgenic vitamin A enriched rice having जीन फॉर बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के लिए यहाँ पर जीन प्रेजेंट होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं, बिल्कुल बेटा, जो बायोटेक वाला क्वेश्चन था उसमें डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज हैविंग मैक्सिमम ऑटोरिदमिसिटी इन द नॉर्मल ह्यूमन हार्ट। ऑटोरिदमिसिटी का मतलब जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मैक्सिमम नंबर में एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है, मैक्सिमम नंबर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एसए नोड। एसए नोड मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता कितने, ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी इंडिकेट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, सही है। द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑन ग्राफ पेपर, ये भी सही है। ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट अबाउट 70 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट, बेटा इसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, तो ये गलत है। द सेकेंड हर्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद 72, काजल ने सही आंसर दिया, 70 से 75 बार, जो एसए नोड होता है बेटा ये 70 से 75 बार एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है पर मिनट, ये करेक्ट आंसर 70 to 75 एनसीईआरटी में दिया गया। सेकेंड हर्ट साउंड क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल, ये भी सही। तो हाउ मेनी ऑफ अवर स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कितना है, एक इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द फिनोमिनन ऑफ डीडिफरेंशिएशन, डीडिफरेंशिएशन लूजिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन लूजिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन आफ्टर रिगेनिंग द सेम, दैट इज कॉल्ड रीडिफरेंशिएशन, इसे कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। फिर रीगेनिंग द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन दैट इज कॉल्ड डीडिफरेंशिएशन, तो डी डिफरेंशिएशन यहां पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों ने डी कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग, तीनों फिनोमिना डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन रीडिफरेंशिएशन एनसीईआरटी में आपको दिए गए, इस करेक्ट अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 180 लीटर पर डे बोथ किडनीज, एकदम सही है। जीएफआर की वैल्यू 180 लीटर होती है पर डे और दोनों किडनीज के द्वारा, यहां पर किडनी दिया गया इसलिए गलत है, यहां पर आपको दिया गया है 100 से 200 ml, अच्छा यहां पर अगर 200 से 300 की जगह पर 125 लिखा होता कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट द ब्लड फिल्ट्रेट इज 125 ml पर मिनट बोथ किडनीज, तो ये भी आंसर सही हो सकता था अगर यहां पर 125 दिया जाता 200 से 300 की जगह, यहां पर करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग टर्म डिफाइन द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की वजह से जो फ्लावरिंग का इंडक्शन होता है दैट इज नेम्ड एज, अगर लो टेम्परेचर की जगह लाइट लिखा होता तो फोटो पीरियडिज्म हो जाता, लो टेम्परेचर है दैट इज कॉल्ड वनरलाइजेशन। द एंजाइम दैट आर प्रेजेंट इन द सलाइवा आर, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है, सुक्रेज होता है, नहीं, और टाइलिन को सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, तो यानी ऑप्शन तो गलत हो गया है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको जाइमेज दिया गया है, ये भी गलत हो गया, यहाँ पर सुक्रेज दिया गया, ये भी गलत हो गया, टाइलिन लाइसोजाइम, टाइलिन को सलाइवरी एमाइलेज कहते हो, लाइपेज भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, तो करेक्ट ऑप्शन डी होगा। डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड परसेंटेज ऑफ लिंकेज शोज, लिंकेज और जीन के बीच में क्या रिलेशन होता है, अगर दो जीन के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो लिंकेज कम हो जाएगा, मतलब इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इन फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन इंक्लूड, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में क्या होगा, लाइट रिएक्शन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, नॉन साइक्लिक होगा, मतलब दोनों होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा। स्टेटमेंट ए में कहा गया ह्यूमन स्कल पजेस टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल, बिल्कुल डाइकॉन्डाइलिक स्कल होता है, रिब्स इन ह्यूमन आर बाइसिफेलिक, बिल्कुल बाइसिफेलिक, क्योंकि जो डॉर्सल एंड होता है रिब का बेटा उसमें दो हेड होते हैं वर्टिब्रल कॉलम से अटैचमेंट के लिए, तो बाइसिफेलिक होती, मतलब दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। द टर्म यहां पर फिल करना है, स्मॉलेस्ट सस्टेनेबल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर वाज प्रपोज्ड बाय,
तो यहां पर स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इकोसिस्टम होती है बेटा, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम टर्म दिया गया था टेंसिले के द्वारा, बायोनीट में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो अब यहां पर इकोसिस्टम यहां पर आप फिल करोगे और यहां टेंसिले फिल करोगे, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। इकोसिस्टम ग्रेनल, इकोलॉजी टेंसिले, इकोलॉजी लिंडेमैन, इकोसिस्टम रीटर, कोई भी ऑप्शन यहां पर सही नहीं है। एनटीए इसका ऑप्शन बी दे रहा है, लेकिन ये मिस गलत हो गया एनटीए से टाइप करने में। यहां जहां इकोलॉजी लिखा वहां पर इकोसिस्टम होना चाहिए था, इसलिए कोई भी ऑप्शन यहां पर करेक्ट नहीं है। सही बात मैंने बता दी है कि इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर, एंड टेंसिले के द्वारा इकोसिस्टम टर्म दिया गया था। मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर प्लांटिंग, सीधा एनसीईआरटी का पॉइंट है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द लीव्स, बी ऑप्शन हो गया। सेलेक्ट द सेट ऑफ मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन, कौन से रेस्पिरेटरी सेंटर पूछा जा रहा है कि मेडुला में पाए जाते हैं। तो मेडुला में एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है, दूसरा कीमो सेंसिटिव एरिया पाया जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के पास में। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ चैम्बर इन द हार्ट ऑफ पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, कल ही मैंने आपको बताया है। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना को अमेरिकन कॉकरोच कहा जाता है, और ये जो कॉकरोच है ना, ये जो कॉकरोच है, इस कॉकरोच में 13 चैम्बर हार्ट में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एटीपी सिंथेसिस के लिए बेटा, और इसके लिए प्रोटॉन पंप चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, यानी सब कुछ चाहिए, है ना। तो प्रोटॉन पंप, मेम्ब्रेन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, ग्रेडियंट, एक और चीज चाहिए एनसीईआरटी में जो लिख के आपको दी गई है, वो मुझे कमेंट करके आप बताओगे, जिसमें नहीं दी गई इन चार ऑप्शन में, ठीक है, वो कमेंट करके मुझे जल्दी से बताओगे। अकॉर्डिंग टू ऑपेरन एंड हेल्डन, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ वाज हैविंग द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मीथेन था, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, और वाटर वेपर यहाँ पर मौजूद थी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विच सेल और ऑर्गेनिज्म इज इनकरेक्टली लिंक्ड विद द सेल वॉल लाइसिंग एंजाइम यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डीएनए, यू बैक्टीरिया लाइसोजाइम को, लाइसोजाइम यू बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि यू बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल है जिससे लाइसोजाइम ब्रेक करता है। सही, प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज है तो उसे सेलुलेज ब्रेक करता है, फंगस में काइटिन है तो काइटिनेज ब्रेक करता है, एनिमल सेल में सेल वॉल होती ही नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ, एटीपी सिंथेज चाहिए, बिल्कुल अब्दुल, एटीपी सिंथेज की जरूरत होती है। मैच द फॉलोइंग, चलिए ये आपको एनसीईआरटी में दो पॉइंट दिए गए, दो नहीं दिए गए, लेकिन बायोनीट में सारे दिए गए। रिसेंट ईरा, कई बार मैंने बताया कि ये जो ईरा चल रहा है दैट इज कॉल्ड सीनोजोइक ईरा, ये सीनोजोइक ईरा है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर है वो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म की ओरिजिन 2 बिलियन ईयर है वो। ईरा ऑफ रेप्टाइल, रेप्टाइल का ईरा कौन सा था, मीसोजोइक ईरा, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल। तो ए को 2 से मैच कराया, बी को 3 से, सी को 4 से, A2, B3, C4 एंड D1, करेक्ट ऑप्शन क्या आया, सी आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू, ये एरियोलर होगा, कौन सा मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू का, एरियोलर टिश्यू का एग्जांपल कौन सा यहां पर मॉडिफाइड, तो जो एडिपोज टिश्यू है बेटा ये एक टाइप का मॉडिफाइड एरियोलर टिश्यू का एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। एलएसडी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बायोनेट में क्वेश्चन है। एलएसडी को ऑप्टेन किया जाता है फंगस से, उस फंगस का नाम आप मुझे बताओगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इनर मोस्ट म्यूकोसा लेयर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर मोस्ट लेयर में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं, बिल्कुल, क्रिप्ट ऑफ लिवर कोन, माइक्रोविलाई होती है, बिल्कुल सही, गॉबलेट सेल होती है, ये भी सही है, डियोडिनल ग्लैंड म्यूकोसा में नहीं पाई जाती, ये सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं, और ये सब म्यूकोसा में पाई जाती है इसलिए इन्हें सब म्यूकोसल ग्लैंड कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द चीफ एडवांटेज ऑफ इंसिस्टमेंट इन एन अमीबा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से ऑप्टेन किया जाता है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से एलएसडी को ऑप्टेन किया जाता है। तो अमीबा में इंसिस्टेंस, इंसिस्टमेंट या इंसिस्टेशन का फायदा क्या होता है,
इंसेसमेंट कब करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में. तो द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन बी ऑप्शन सही होगा. विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिन? जिबरेलिन की डिस्कवरी से कौन सी बीमारी संबंधित है? दैट इज द बैकेन फंगल डिजीज. और बैकेन जो डिजीज है इसका एक नाम और होता है, और किस प्लांट में बीमारी होती ये भी मुझे आप बताओगे, है ना? बैकेन डिजीज किस प्लांट में होती है और इसका एक नाम और है, दोनों ऑप्शन मुझे जल्दी से बताओ. यहाँ पर चार स्टेटमेंट आपको दिए गए. इन बर्ड द स्किन इज ड्राई विदाउट एनी ग्लैंड एक्सेप्ट द पीन ग्लैंड, इतना तो सही है. विच आर मोडिफाइड सुडोरीफिक ग्लैंड. सुडोरीफिक मतलब स्वेट ग्लैंड, तो स्वेट ग्लैंड तो मैमल का फीचर, तो ऑप्शन गलत हो गया. ऑल मैमल एक्सक्लूसिवली रेस्पायर बाय यूजिंग लंग एक्सेप्ट डॉल्फिन, ये गलत है बेटा. यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, सारे मैमल लंग के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं. यस, फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस, फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस कहते हैं जो बैकेन डिजीज है. कैमिलियन स्ट्री लिजर्ड विद ए प्रीहेंसाइल टेल, प्रीहेंसाइल टेल मतलब अपनी पूंछ से ये प्लांट के ऊपर लिपट जाता है. एंड इनडिपेंडेंटली मूवेबल आई, सही है. एम्फीबिया इज द ओनली टेट्रापोड वर्टिब्रेट विच हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद नो लार्वल स्टेज. बेटा एम्फीबिया में तो टेट्रापोड लार्वा होता ही. तो अब यहाँ पर कहा कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है केवल एक, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बी आंसर आपका सही हो जाएगा. बेटा ये एनटीए का एक मॉक टेस्ट है जेएस, ठीक है, और पेपर होने के बाद आपको पता चलेगा कौन सा है. चलिए देखिए करेक्ट मैच आपको बताना है. कॉम प्लेट की बात करें, निडेरिया में आपसे कहा गया गलत, टीनोफोरा में, निडोसाइटिनोफोरा में गलत है. सीटी एनिलिडा में होती हैं और मूवमेंट में काम करती है, ये सही है. एरिस्टोटल लैंटर्न मोलस्का में कहा गया नहीं, एरिस्टोटल लैंटर्न पाई जाती है बेटा कहाँ पर, इकाइनोडर्मेटा में. Which of the following is or correct about cycas? Cycas के लिए कौन सा statement सही है? Cycas has characteristic branched stem, नहीं unbranched stem होता है. It is dioecious plant where male cone and megasporophyll bear on different tree, ये सही है. Mycorrhizal association, नहीं mycorrhiza तो pinus में होता है, तो correct answer यहाँ पर B हो जाएगा, B correct option होगा बेटा. Which of the following are included as tracheophyte? Tracheophyte, tracheophyte किन्हें कहते हैं? जिनमें vascular tissue होता है, और vascular tissue किसमें होते हैं? PGA में, PGA मतलब टेरिडो में, जिम्नो में और एनजीओ में, but not bryophyte, तो correct answer B हो जाएगा. In which of the following assisted reproductive technology does not involve in vitro fertilization? कल भी आपने question किया था, in vitro fertilization किसमें नहीं होता है? In vitro मतलब body के बाहर, तो जिफ्ट में बॉडी के बाहर, आईसीएसआई में बॉडी के बाहर, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, ठीक है. गिफ्ट जो टेक्निक है बेटा, इसमें जो फीमेल गैमेट है वो माँ के अंदर ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता, तो यहाँ पर इन विवो फर्टिलाइजेशन होगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. ए रेसेसिव एलील इज एक्सप्रेस्ड इन, रेसेसिव एलील कब एक्सप्रेस होता है? जैसे स्मॉल टी, स्मॉल टी है, तो ये कब एक्सप्रेस होगा? जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा, और जो डोमिनेंट एलील होता है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल के लिए कौन सा करेक्ट है? दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ANS, नहीं बेटा, स्मूथ मसल ANS के डायरेक्ट कंट्रोल में होती है. दे आर प्राइमरीली फाउंड इन होलो ऑर्गन, स्मूथ मसल होलो ऑर्गन में होती है. दे आर बंडल टूगेदर इन ए पैरेलल फैशन, ये सही, ए पैरेलल फैशन, ए अलग है बेटा यहाँ पर. स्मूथ अपीयरेंस नहीं, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डेवरीज द मेन कॉज ऑफ इवोल्यूशन, ह्यूगो डेवरीज के अनुसार मेन कॉज इवोल्यूशन का म्यूटेशन यानी सॉल्टेशन था. लैमार्क के अनुसार इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये इवोल्यूशन का मुख्य कारण था. और डार्विन के हिसाब से नेचुरल सेलेक्शन इवोल्यूशन का मुख्य कारण था. तो अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज थी, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए होगा. सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, मेटल आयन इररिवर्सिबली अटैच विद एपोएंजाइम एक्टिवेटर, नहीं बेटा कोफैक्टर होते हैं. नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच टाइटली टू एपोएंजाइम प्रोस्टेटिक ग्रुप, ये सही है. प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट अटैच लूजली विद एपोएंजाइम कोएंजाइम, नहीं बेटा ये नॉन प्रोटीन होता है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा. Which of the following is observed during stomatal closure?
स्टोमेटल क्लोजर के लिए क्या सही है बेटा, ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में आपको दिया नहीं गया है। इंक्रीज्ड थिकनिंग ऑफ इनर वॉल ऑफ गॉर्ड सेल, ये सही ऑप्शन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई द क्रॉस ब्रीड एनिमल फ्रॉम द फॉलोइंग, क्रॉस ब्रीड का मतलब है कि किसे क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। क्रॉस ब्रीडिंग में दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस कराया जाता है और हिजार्डेल इसका आंसर है, बिल्कुल सही। और हिजार्डेल किसकी क्रॉस ब्रीडिंग से बनाए गए ये जल्दी से कमेंट करके आप बताओ। फाइंड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन इनमें से अलग है, तो सर्वाइकल कैप बैरियर मेथड हो जाएगा। लिपेज लूप ये क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। प्रोजेस्टाजर्ट ये भी आईयूडी है। मल्टीलोड ये भी आईयूडी है, तो ये तीन तो आईयूडी हो गई, ये अलग है, जो अलग है बस वही आपको बताना है यहाँ पर, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पर 45। हमने करीब 25 मिनट में ये 45 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगली कोशिश होनी चाहिए कि अगले 45 क्वेश्चन 20 मिनट में होने चाहिए आपके। मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स कौन बता रहा है, क्यों बेटा ऐसे काम कर रहे हो। बीकानेरी ईव एंड मेरिनो रैम्स के बीच में क्रॉस कराया गया था हिजार्डेल को बनाने के लिए। डंकी और हॉर्स से बेटा म्यूल बना था, क्या तुम लोग आंसर कर रहे हो। डॉक्टर संतोष लवली क्या बता रहे हो बेटा, हेमलता कहाँ हो तुम लोग, अभी सो के नहीं जगे हो क्या। हॉर्स डंकी में तुम लोग पहुंच गए। चलो सेशन को जल्दी से लाइक करो, 45 क्वेश्चन हो चुके हैं और बहुत जल्दी आपने किया है। द एक्स सेल ऑफ टेस्टिस सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन बेटा कौन सिक्रीट करता है, लेडिक सेल सिक्रीट करती है, दो ऑप्शन में लेडिक सेल है, दो ऑप्शन खत्म हो गए। कहाँ सिक्रीट करती है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में तो होती नहीं लेडिक सेल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर होती है। और हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। बहुत सारे बच्चों ने ए कर दिया है जबकि करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा बेटा, ज्यादातर ने ए किया है, करेक्ट ऑप्शन डी होगा बेटा 46 के लिए। बाइपोलर न्यूरॉन आर फाउंड इन, बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ होते हैं, रेटिना में, बट नॉट इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन से न्यूरॉन पाए जाते हैं ये आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओगे। अदर देन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के अलावा ये कैसे फैलता है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सही है। इंट्रा मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग नहीं, इंट्रा वेनस होता है। मियर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 48 के लिए। या सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है, 48 का आंसर आ गया, 48 का ए आंसर है, इसमें भी डी कर दिया बच्चों ने। विच सेल ऑर्गेनेल कंप्राइजेज ऑफ ट्रांसफेज, एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। सिस और ट्रांसफेज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सिस एंड ट्रांसफेसेस आर प्रेजेंट इन द गॉल्जी बॉडी, ये गॉल्जी बॉडी में बेटा पाए जाते हैं। और बहुत सीधे सीधे सवाल हैं, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल, तो ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन बेबी बर्थ के समय रोल प्ले करता है और किस पैक करता है, मायोमेट्रियम पैक करता है और स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एनलिस्ट द कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, मतलब CNS के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, CNS में तो आप जानते ही हैं। CNS में दो पार्ट होते हैं, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। व्हेन द पोलन ऑफ ए फ्लावर इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ एनदर फ्लावर ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, एनदर फ्लावर प्लांट बदल गया और जैसे प्लांट चेंज होगा द पॉलिनेशन इज नेम्ड एज जीनोगैमी, प्लांट चेंज होगा जीनोगैमी, फ्लावर चेंज होगा तो उसे कहेंगे जीटोनोगैमी, और अगर फ्लावर सेम होगा तो उसे कहेंगे ऑटोगैमी। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, चलिए करेक्ट आंसर बताइए इसमें जल्दी से। क्रॉस पॉलिनेटिंग फ्लावर हैव एक्सट्रोर्स एंथर, एक्सट्रोर्स एंथर मतलब ये बाहर की तरफ फटते हैं, तो बिल्कुल सही है, याद कर लेना। समारा इज ए टाइप ऑफ फ्लैसी फ्रूट,
समारा बेटा ये ड्राई फ्रूट का एग्जाम्पल है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन हैज ए मोनोकार्पिलरी यूनिलोकुलर ओवरी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन फेबेसी में होता तो मोनोकार्पिलरी और यूनिलोकुलर ओवरी सही है। अपोजिट फिलोटेक्सिन सीरिन क्वावा ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 and 4 आर करेक्ट एंड 3 इज रॉन्ग। 1, 3, 4 आर करेक्ट एंड 2 इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा 53 के लिए, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ हार्मोन रिस्पेक्टिवली एंटागोनिस्टिक टू सोमैटोस्टैटिन एंड इंसुलिन। अब आप ये तो जानते हैं कि इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक कौन होता है, ग्लूकागॉन होता है, तो दो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। अब जो सोमैटोस्टैटिन है ये ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को रोकता है, तो उसका एंटागोनिस्टिक हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चलिए पढ़िए। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो अकर थ्रू टीएफसी सही है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट सही है। इन कंपैरिजन टू फूड चेन फूड वेब आर मोर स्टेबल ये भी सही है। डेट्राइटस फूड चेन इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड विद एक्वेटिक फूड चेन एट एनी लेवल ये गलत है बेटा। डेट्राइटस फूड चेन जो होती है वो एक्वेटिक फूड चेन से कनेक्ट होती है कई लेवल पर, इसी से फूड वेब का फॉर्मेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज कैरेक्टराइज बाई सस्टेन्ड हाई फीवर। वीकनेस पता चल गया होगा, सस्टेन्ड हाई फीवर इतने से ही आपको पता चल जाएगा क्योंकि कहीं पर यह पॉइंट दोबारा दिया ही नहीं गया है। दैट इज टाइफाइड, आपका आंसर तुरंत निकल के आ जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बेटा दिया गया है एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। नहीं बेटा, वेरी सिंपल। T4 इज सिक्रीटेड फ्रॉम फॉलिकुलर सेल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, गलत है, थायरॉइड ग्लैंड होता है। एडिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट DHEA एंड कॉर्टिसोल। वैसोप्रेसिन इज सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वैसोप्रेसिन की सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस करता है, तो ये भी गलत है, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब जो एडिनल कॉर्टेक्स है कॉर्टिसोल को तो सिक्रीट ही करता है ना, और ये जो DHEA है बेटा ये भी आप याद कर लीजिएगा। और वैसे आपको अगर ए बी डी पता है गलत है तो फिर सी ही सही होगा, तो ये भी नया पॉइंट आपके लिए है, इसको भी थोड़ा सा याद कर लेंगे, ठीक है। DHEA इसका भी सिक्रीशन यहाँ पे होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, किसी को फुल फॉर्म पता है तो बता सकता है DHEA का। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट स्पीसीज पर डिपेंड है, एनवायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड है, हर्बी और स्पीसीज पर डिपेंड नहीं करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट पर डिपेंड है। बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर के लेवल पे होती है तो हर्बीवर पे क्यों डिपेंड करेगी, है ना, तो सी ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। हाँ वही तो मैंने पूछा DHEA क्या है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा है। अगर किसी को फुल फॉर्म पता है तो बता सकता है, DHEA का फुल फॉर्म अगर कोई भी बच्चा जानता है तो कमेंट करके बता सकता है। दैट इज डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन, डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेरोन कहते हैं इसे। हाँ कई सारे बच्चे कमेंट कर भी कर रहे हैं, देखिए डिहाइड्रो एपीएंडोस्टेरोन कहा जाता है, शॉर्ट में DHEA कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 पे हम चल रहे हैं बेटा। द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, इनकरेक्टली मैच आपसे पूछा है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन माल्ट, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो थाइमस। एंटीबॉडी दैट क्रॉसेस प्लेसेंटा IgG, हाँ ये सही है। वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी ये भी सही है। रिजर्वायर ऑफ मोनोसाइट स्प्लीन RBC पेरिथ्रोसाइट। इन करेक्ट पूछा और इनकरेक्ट, तो यहाँ पर दो हैं, दो करेक्ट हैं, दो इनकरेक्ट है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये NTA का क्वेश्चन है तो वही कुछ कर सकता है इसमें, क्योंकि दो ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं और दो ऑप्शन यहाँ पर सही है। सेलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल के लिए सही डेफिनेशन पूछी गई। तो बायो कंट्रोल, बायो का मतलब लिविंग, तो बायो कंट्रोल क्या होता है, यूज ऑफ माइक्रोब टू कंट्रोल प्लांट डिजीज, है ना, सही है। प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए माइक्रोब का यूज करना बायो कंट्रोल एजेंट कहलाता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सक्सेशन इज हाइड्रोशियर, मतलब
हाइड्रा सक्सेशन। तो हाइड्रा सक्सेशन में शुरुआत तो फाइटोप्लैंकटन से ही करनी है, तो तीन ऑप्शन में फाइटोप्लैंकटन है। फाइटोप्लैंकटन, रूटेड सबमर्स्ड हाइड्रोफाइट, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट, और ये मैंने बताया था रेड स्वैम, मार्स मीटो, है ना, ट्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन बी निकल के आ गया यहाँ पर। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, वायरस फ्री प्लांट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मेरिस्टम कल्चर, सही है। इन माइक्रो प्रोपिगेशन ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप आर प्रोड्यूस्ड, नहीं बेटा माइक्रो प्रोपिगेशन में तो क्लोन बनते हैं। प्लांट सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म, नहीं बेटा विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। पोमेटो हैज ऑल द डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फॉर इट्स कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन, नहीं बेटा पोमेटो हैज नॉट ऑल द डिजायर्ड कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन नहीं किया गया। द सेट ऑफ ऑर्गेनेल और स्ट्रक्चर दैट आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या 70S राइबोसोम होता है, सही है, डिक्टियोसोम होता है, 80S राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रियोल नहीं होता और मीजोसोम नहीं होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बताओ ये डिक्टियोसोम क्या है, डिक्टियोसोम किसी का दूसरा नाम है, बताओ मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कनेक्टेड विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये बढ़िया सवाल है बेटा। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का दूसरा सवाल है एनटीए के इस मॉक टेस्ट में, और आपसे पूछा कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड किससे अटैच होता, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन बेटा ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, लेकिन ये आंसर नहीं है, सब इसोफेजियल गैंग्लियन ये करेक्ट आंसर है, यहाँ पर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ, गॉल्जी बॉडी को प्लांट में डिक्टियोसोम कहते हैं, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रिंक इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट जिन्हें इरेथ्रोजाइलम, इरेथ्रोजाइलम कोका से क्या ऑप्टेन करते हैं, कोकीन को ऑप्टेन किया जाता है। एट द एंड ऑफ जी टू फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉयड सेल हैविंग द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम 2C विल बी, करेक्ट, जी टू फेज में डीएनए का अमाउंट क्या होगा, अच्छा डीएनए का अमाउंट पूछा ना, तो डीएनए का अमाउंट तो जी टू एस फेज के बाद आएगा, तो डबल आ जाएगा, 2C दिया गया है तो ये 4C हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा बेटा, ठीक है। डीएनए का अमाउंट पूछा गया तो डीएनए तो हमेशा डबल हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही होगा, क्लियर। 67 ऑब्जर्व द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, ये लिस्ट आपको दी गई, अब कहा गया हाउ मेनी ऑफ द गिवन ऑर्गेनिज्म जीनोम हैव बीन कंप्लीटली सीक्वेंस, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ में किन की सीक्वेंसिंग की गई थी, अरेबिडोप्सिस की, सिनोरेबिडाइटिस की, सनफ्लावर की नहीं की गई थी, ड्रोसोफिला, हनी बी की नहीं की गई, राइस, ह्यूमन की गई और ईस्ट की गई, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ऐसे क्वेश्चन कठिन होते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं, यहाँ तो मैं आपको करा दे रहा हूँ लेकिन एग्जाम में तो आपको खुद ही पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। करेक्टली आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ सेल डिविजन सोन इन द गिवन डायग्राम, डायग्राम है नहीं छोड़ दो, द वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट स्टेमा, डाइकॉट स्टेम में पूछा, तो डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल होते हैं CCO टाइप के, मोनोकॉट में CCC टाइप के होते हैं, कंज्वाइंट कोलेट्रल और क्लोज, यहाँ पर कंज्वाइंट कोलेट्रल और ओपन होते हैं, तो देखो क्लोज वाला खत्म कर दो, दो ऑप्शन है ना, ओपन कोलेट्रल है ना। अब एक्सार्च और एंडार्च कंडीशन दी गई, तो डाइकॉट, अब स्टेम पे आ जाओ, स्टेम में एंडार्च कंडीशन होती है, रूट में एक्सार्च होती, तो करेक्ट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। द टिश्यू दैट विल बी प्रेजेंट इन द मैक्सिमम अमाउंट इन द स्टेम ऑफ मेनी इयर्स ओल्ड उडी ट्री, जैसे उड कहेगा, उडी तो उड एक्चुअली किसका नाम है, सेकेंडरी जाइलम का ही नाम है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which of the following is a set of characteristic corresponding to monocot? Monocot के लिए क्या सही, टैप रूट सिस्टम तो होता नहीं है, फाइब्रस रूट सिस्टम, रेटिकुलेट वेनेशन भी नहीं होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम, पैरेलल वेनेशन, ट्राइमेरस फ्लोरल पार्ट एंड वन कॉटलीडन, करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ऐसे आप एलिमिनेट करके करिएगा, एग्जाम में जल्दी हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, वेस्कुलर क्रिप्टोगैम किसे कहते हैं, टेरिटोफाइट को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू तो होते हैं लेकिन सीड नहीं बनते, तो जिंगो जिम्नो का मेंबर है, मार्केशिया ब्रायो का मेंबर है, सेड्रस जिम्नो का मेंबर है, इक्विसिटम टेरिडो का मेंबर है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल,
एंजियोस्पर्म में चारों ओव्यूल पाए जाते हैं, लेकिन सबसे कॉमन है एनाट्रोफा, जिसे इन्वर्टेड ओव्यूल कहते हैं। कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में होता है ये आप मुझे बताओगे। प्रेजेंस ऑफ मैकेनिकल बैरियर बिटवीन स्टेमेन एंड कार्पेल विच सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज, ये एक आउट ब्रीडिंग डिवाइस है जो एनसीईआरटी में नहीं दी गई, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया और बायोनीट में क्वेश्चन दिएगा। मैकेनिकल बैरियर, बस इतने से पहचान लोगे कौन सा मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करता है, दैट इज द हर्कोगैमी। हर्कोगैमी एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है स्टेमेन और कार्पेल के बीच में। मैच द कॉलम, चलिए कॉलम मैच करिए बेटा जल्दी से। यहाँ पर पेनिसिलियम एनाट्रोपस ओविल 82% एंजियोस्पर्म में, 82% एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस ओविल होता है। पेनिसिलियम कोनिडिया है ना, अगेओ बल्बिल, वाटर हाइसिंथ ऑफसेट एंड हाइड्रा बडिंग। चलिए तो ए का सी, टू का बी, थ्री का ए एंड फोर का डी, करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो गया। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टीआरएनए। टीआरएनए पजेस एंड अमीनो एसिड एक्सेप्टर एट 3' एंड फॉर बाइंडिंग टू अमीनो एसिड, सही है। टीआरएनए इज आल्सो कॉल्ड सॉल्युबल आरएनए, हाँ सही है। ओनली सिंगल टीआरएनए एग्जिस्ट फॉर ऑल थ्री स्टॉप कोडॉन, गलत है। टीआरएनए पजेस एन एंटी कोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड, ये भी सही है। सी ऑप्शन गलत करें। ओनली सिंगल टीआरएनए एग्जिस्ट फॉर थ्री स्टॉप कोडॉन, तीन स्टॉप कोडॉन के लिए कितने टीआरएनए होते हैं आप मुझे बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। तीन स्टॉप कोडॉन के लिए कितने टीआरएनए होते हैं आप मुझे जल्दी से बताओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चलिए पढ़ते हैं। ब्राउन एल्गी हैज क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोसेंथिन, सही है। आर्चिगोनिया फाउंड इन ब्रायोटेरिडोजिम्नो, बिल्कुल। एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया एब्सेंट होती है, तो सही है। अच्छा, कई लोग बता रहे हैं तीन होते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि बेटा स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, तो नो करोगे या एब्सेंट करोगे, ठीक है, कोई भी नहीं होता, जीरो। द रेड एल्गी यूजली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाई फ्रेगमेंटेशन, सही है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इन सिमिलर साइज टेक प्लेस इन द स्पीसी ऑफ ओडोराइना। ओडोराइना में एन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन पाया था और ये एनसीईआरटी में करेक्शन करके ऐड किया गया। ओडोराइना में दो गैमेट सिमिलर साइज में नहीं होते, डिसिमिलर साइज में होते हैं ओडोराइना के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज बाई आरएनए पॉलीमरेज थ्री, आरएनए पॉलीमरेज थ्री से कौन सिंथेसाइज होता है। टीआरएनए ओनली लिखा है, एसआरएनए ओनली, 5S, तो यहां पर तीनों हो जाएंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए यहां पर आपको पी क्यू आर एस यहां पर फिल करने हैं बेटा। तो कलर देखिए, पॉड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉड, तो पॉड कलर कौन सा डोमिनेंट होता है, पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है, ग्रीन डोमिनेंट होता है और येलो रिसेसिव होता है, पॉड कलर। और शेप में इन्फ्लेटेड डोमिनेंट होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव होता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन येलो इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 79 के लिए, सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। सेलेक्ट द सेट ऑफ वेक्टर यूज फॉर क्लोनिंग इन एन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन से वेक्टर यूज किए जाते हैं, यूकैरियोटिक में कौन से वेक्टर्स का यूज किया जाता है बेटा। प्लाज्मिड का यूज करते हैं, बैक्टीरियोफेज टीआई प्लाज्मिड एंड डिसआर्म्ड पैथोजन का यूज करते हैं, करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब डिजायर्ड डीएनए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन रीजन ऑफ पीबीआर 322, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाली जगह पर अगर इंसर्ट करते हैं तो कट करना पड़ेगा, और मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया कि जहां पर आप कट करते हैं उस जीन की प्रॉपर्टी खत्म, तो होस्ट विल लूज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी यहां पर। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन पीसीआर, पीसीआर में क्या स्टेप होता है, डिनेचुरेशन एनलिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्राइमर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन एन एंथर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ईच माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व वन मियोसिस, सही है। Only one microspore mother cell differentiate in one pollen cell, नहीं बेटा, thousands of microspore mother cell. It only consume tapetum and not endothecium, ये भी गलत है। Microspore tetrad is always trihedral, नहीं बेटा, tetrahedral, linear, decussate कई तरह के हो सकते हैं, तो correct answer यहाँ पर A हो जाएगा।
A man with genotype this can produce p number of genetically different sperm, and woman with genotype this can produce q number of genetically different egg. Determine the value of p and q. तो मैंने तरीका आपको सिखाया था कि जो भी जीनोटाइप आपको दिया जाए, आप ये देखो कि अगर होमोजाइगस है तो 1 लिखो, हेट्रोजाइगस है तो 2 लिखो, 4 यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया आंसर। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो कंडीशन आपको दी गई है इसमें 1, 2 and 2, इसमें भी 4 आ जाएंगे, तो पी की वैल्यू भी 4 और क्यू की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, ये एफ होगा बेटा यहाँ पर, ठीक है, स्मॉल एफ होगा, ठीक है। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय जीन क्राई 1AB एंड क्राई 2AB कंट्रोल, बहुत बार मैंने करा और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जनरली याद नहीं रहता है। तो क्राई, मैंने ये कहा था कि क्राई 1AB जरूर याद करिएगा, क्राई 1AB कॉर्न बोरर को कंट्रोल करता है और बाकी जो जीन पूछा जाए कॉटन बॉलवर्म को, तो कॉर्न बोरर के लिए एक ही जीन होता है क्राई 1AB, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म आर नेम सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, जिम्नोस्पर्म का नाम जिम्नोस्पर्म क्यों है, क्योंकि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्मा मतलब सीड, तो मतलब ये नेकेड सीडेड होते हैं और इसीलिए इनका नाम जिम्नोस्पर्म होगा। हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 12 प्रोटॉन पास थ्रू F0 F1 पार्टिकल, 12 प्रोटॉन, जब 2 प्रोटॉन पास होते हैं तो 1 एटीपी बनता है। जल्दी से लाइक करो सेशन को सभी बच्चों बेटा, जल्दी से सेशन को लाइक करो। तो अगर 12 प्रोटॉन पास होंगे बेटा तो 6 एटीपी का प्रोडक्शन होगा, एनसीईआरटी में आपको दिया गया, करेक्ट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर इज एब्सेंट इन, सेंट्रोमियर का डिवीजन कहां नहीं होता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है कहां पे, एनाफेज 2 में होता है, टेलोफेज में नहीं होता है, एनाफेज में नहीं होता है 1 में, और ऑल ऑफ दीज में भी नहीं होता, तो यहां पे ये पूछना ही नहीं चाहिए था, एब्सेंट पूछा है तो कहां पे एब्सेंट होता है, टेलोफेज में भी एब्सेंट, एनाफेज 1 में भी एब्सेंट, ऑल ऑफ दीज में भी एब्सेंट, तो ये गलत पूछ लिया है। यहां पर प्रेजेंट अगर पूछता, अगर यहां पर प्रेजेंट पूछता तो आपका आंसर क्या हो जाता, प्रेजेंट पूछने पर आपका आंसर सी हो जाता, अभी एब्सेंट है तो यहां पर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। Which of the following hormone, how many are secreted from neurohypophysis posterior pituitary से, कौन कौन निकलते हैं, एल्डोस्ट्रॉन नहीं निकलता है, MSH मिडिल पिट्यूटरी से निकलता है, पार्स इंटरमीडिया से, मेलाटोनिन तो पीनियल ग्लैंड से निकलता है, प्रोलैक्टिन इंटीरियर पिट्यूटरी से, ADH हाँ ये निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटीरियर पिट्यूटरी से, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। न्यूरोहाइपोफाइसिस से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक ADH और दूसरा ऑक्सीटोसिन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट RNA इंटरफेरेंस प्रोसेस, इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक mRNA, बिल्कुल सही है। A cellular mechanism that use the gene's own DNA sequence to turn off mRNA expression, ये भी सही है। It is a type of cellular defense, ये भी सही, तो all are correct option and this is the NTA mock test number 83 और ये पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है 45 मिनट में, 45 मिनट में इस पेपर को हमने कंप्लीट कर लिया है। हेलो पापा, हेलो करिए, हेलो, गुड मॉर्निंग, हेलो, जॉनी जॉनी ईटिंग सुगर, टेलिंग ए लाई, ओपन माउथ। तो एक क्लास इनकी भी करा दीजिए। अच्छा, बहुत शैतान है, मेरे लिए रोती रहती हर समय। जबकि सीधे यहीं पे आए हैं, तो 8:54 हो रहा है बेटा, 5 मिनट के बाद हम अगला सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना।
अगला सेशन जो होगा उसमें हम पीवी से क्वेश्चन करेंगे, ओके बच्चों? तो ठीक है, बाय बाय, लव यू, हेलो, हाय, लव यू, हेलो। डोडू की भी क्लास चल रही बेटा, है ना? 8:30 पे डोडू क्लास भी स्टार्ट हो जाती है, उनकी अलग लाइव क्लास चलती है। तो ठीक है बेटा, दूसरे सेशन पे आओ भी सब लोग, है ना? और आज आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया 45 मिनट में, और हम इसको और अच्छा करेंगे, है ना? 2-4 दिन में इसको हम आधे घंटे में कोशिश करेंगे कि 90 क्वेश्चन कर लें, ठीक है? तो ठीक है, अभी मिलते हैं 5 मिनट में जस्ट, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, लव यू।